महाराज कृष्णदेव राजा का दरबार लगा था। तेनाली, तुम तो जानते हो हमें अनोखे पशु पक्षी पालने का कितना शौक है। जी महाराज, जानता हूँ, पर मुझे आपका ये शौक कुछ खास पसंद नहीं है। और वो क्यों भला? अरे क्योंकि मेरे अनुसार पशु पक्षियों को आजादी मिलनी चाहिए, उन्हें आजाद जीवन जीने का पूर्ण हक है, बिल्कुल हम इंसानों की तरह। इस बात पे विचार विमर्श चल ही रहा था कि एक सिपाही महाराज के सामने आया। महाराज की जय हो। एक परदेशी व्यापारी आए हैं, चतुर पंडित, कह रहे हैं कि उनके पास आपके लिए कुछ अनोखा है, आपकी आज्ञा हो तो उन्हें भीतर भेजा जाए। आज्ञा है। प्रणाम महाराज, मैं कल ही मध्य प्रदेश लौटा हूँ और महाराज आपके लिए मेरे पास कुछ खास है। चतुर पंडित के आदेश पर दो सेवक एक बड़ा सा पिंजरा लेकर दरबार में आए। पेश है महाराज लाल रंग का मोर। लाल रंग का मोर देखकर महाराज कृष्णदेव राज चौंक गए। दरबार में तेनाली राम भी थे, जो विचारों में डूबे हुए थे। अद्भुत, हमने कभी ऐसा अद्भुत मोर नहीं देखा है। इसे पकड़ने के लिए मेरे आदमियों को 2 साल मेहनत करनी पड़ी। ये बहुत ही दुर्लभ प्रजाति का मोर है महाराज, आपने ऐसा मोर कहीं नहीं देखा होगा। इस मोर को पकड़ते ही मैं आपके पास आ गया, क्योंकि मैंने सुना था कि आपको अनोखे पशु पक्षियों का बहुत शौक है। तुमने बिल्कुल सही सुना था, ये लाल रंग का मोर हमें पसंद आ गया। क्या कीमत है इसकी? महाराज 100 सोने के सिक्के। यहाँ तेनाली राम के मन में एक विचार आने लगा। लाल रंग का मोर जंगल में था और शिकारी जानवरों की इस पर नजर नहीं पड़ी, ये कैसे संभव है? कुछ तो गड़बड़ है। सोचिए मत महाराज, इस दुर्लभ मोर के लिए ये बहुत छोटी कीमत है। 1 मिनट महाराज, मुझे ये सौदा सही नहीं लग रहा। 100 सोने के सिक्के एक मोर के लिए बहुत ज्यादा कीमत नहीं है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं खुद आपके लिए ऐसा मोर ढूंढ कर लाऊंगा। मुझे बस थोड़ा सा समय दीजिए, बस। हम तुम्हें 1 महीने का समय देते हैं तेनाली, 1 महीने में तुम ऐसा लाल रंग का मोर ढूंढ लाओ। ठीक है महाराज। तेनाली राम मध्य प्रदेश नहीं गए, बल्कि उन्होंने अपने जासूसों को काम पर लगाया। अरे पता करो ये मोर रंगने वाला कलाकार कौन है, उसे मेरे पास लेकर आओ। जी उस्ताद, हम लोग जल्दी उसका पता लगा लेंगे। हाँ, दोनों जासूस काम पर लग गए। वो गांव-गांव घूमते रहे और फिर उन्हें एक ऐसा व्यक्ति मिल ही गया जो जानवर और पशुओं को रंगता था। अरे भाई, क्या तुम मोर रंग सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अबे हाल ही में एक मोर को लाल रंगा था। जासूसों को कलाकार मिल गया, वो उसे पकड़कर तेनाली राम के पास ले गए। अरे ये वही कलाकार है जिसने मोर को लाल रंगा था। बहुत खूब। मुझे माफ कर दीजिए अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो, मैंने तो बस पैसे के लिए काम किया था। तुम्हें मेरे लिए वैसे ही 10 मोरों को लाल रंगना होगा। ठीक है जजमान। कलाकार ने तेनाली राम के लिए 10 मोर रंग दिए। बहुत अच्छे, अब तुम्हें महाराज के सामने चलना होगा। नहीं जजमान, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, अपना पेट पालने के लिए सब करता हूँ, कहीं महाराज ने मुझे दंड दे दिया तो मेरे परिवार का क्या होगा? तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कोई दंड नहीं मिलेगा, उल्टा तुम्हारी कलाकारी को सराहना मिलेगी, ये मेरा वादा रहा। अगले दिन तेनाली राम सही बगीचे में पहुँचे। वहाँ महाराज लाल रंग के मोर को दाने डाल रहे थे। प्रणाम महाराज। अरे तेनाली, तुम लौट आए, क्या तुम्हें लाल रंग के मोर मिले? जी महाराज। तेनाली राम के सेवकों ने पिंजरे सामने रख दिए। अद्भुत, तुमने ढूंढ लिए। 100 सिक्कों के हिसाब से हम तुम्हें 1000 सोने के सिक्के देंगे। नहीं महाराज, इनका दाम इतना नहीं है। तो कितना दाम है इनका? 1 लाल रंग का डिब्बा, पानी और 1 सोने का सिक्का इस कलाकार की कलाकारी के लिए। ये सुनकर महाराज कृष्णदेव राज आग बबूला हो गए। धोखा,
हमारे साथ धोखा हुआ है। हम उस चतुर पंडित को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। सैनिकों, जाओ उस दुष्ट को यहाँ लेकर आओ। महाराज के आदेश पर सैनिक चतुर पंडित को पकड़ लाए। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हमें धोखा देना चाहा, तुम्हें दंड जरूर मिलेगा। नहीं महाराज, मेरे हिसाब से ना ही चतुर पंडित की गलती है और ना ही इस कलाकार की। गलती तो आपकी है। हम समझे नहीं। अनोखी और अद्भुत चीजों को पालने के चक्कर में आपने बुद्धिमानी का प्रयोग किया ही नहीं। क्या किसी जंगल में लाल रंग का मोर जीवित रह सकता है महाराज? क्या जंगली जानवर ऐसे मोर को जिंदा छोड़ देंगे? नहीं, तुम सही कह रहे हो तेनाली, गलती हमारी है। पर इस चतुर पंडित और इस कलाकार ने हमें धोखा देना चाहा। अरे, इस कलाकार को तो इस बात की खबर तक नहीं थी महाराज। ये कलाकार तो पशु पक्षियों को रंगता है महज कुछ सिक्कों के लिए। और रही बात इस चतुर पंडित की, तो इसके लिए कुछ महीनों के कारावास की सजा काफी है। इसकी अकल ठिकाने आ ही जाएगी। ठीक है, हम इस कलाकार की कला का मान करते हुए इसे 10 सोने के सिक्के इनाम में देते हैं और चतुर पंडित को 3 महीने का कारावास। कलाकार ये सुनकर बहुत खुश हुआ। धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। तेनालीराम जी, आज आपकी वजह से मेरी कला को मान मिला है। मुझे तो यकीन था मुझे दंड मिलेगा, पर आप अपनी जुबान पर खड़े उतरे। आपको बहुत बहुत आभार। कोई बात नहीं दोस्त, तुम खुश तो मैं भी खुश, और मैंने महाराज के काफी पैसे भी बचा लिए। और हमें ये भी समझ आ गया कि हम बेफिजूल ही अनोखे और अद्भुत पशु पक्षियों को पालने का शौक पालते हैं। आज से हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। धन्यवाद महाराज।